WWE सुपरस्टार मैच जीतने के लिए अपनी जान लगा देते, बस मैचेस स्क्रिप्टेड होने से इनका रिस्क का लेवल दिखाई नहीं देता। लेकिन कभी कभी रोस्टर की लड़ाई रियल लाइफ तक पहुंच जाती है और सेम कभी कभी ये रियल एक्शन भी परफॉर्म कर बैठते हैं। सो आज मैं ऐसे ही WWE हिस्ट्री के टॉप 5 रियल फाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। नंबर 5, विंस मैकमैन वर्सेस कोफी किंगस्टन। दोस्तों WWE रोस्टर में ऐसे गिने चुने ही बंदे होंगे जो विंस मैकमैन से पंगा लेने का सोचे, और इस लिस्ट में एक नाम कोफी किंगस्टन का भी है। एक्चुअली WWE इवेंट करके रिटर्न आते टाइम फ्लैट में विंस मैकमैन कॉन्स्टेंटली कोफी का मजाक उड़ा रहे थे, और विंस मैकमैन ने उस टाइम के WWE चैंपियन कोफी किंगस्टन को ये तक कह दिया था कि तुम्हारा WWE चैंपियन बने रहने का टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ऐसे WWE मैचेस और कौन चैंपियन रहेगा ये स्क्रिप्टेड होता है, लेकिन उस चैंपियनशिप को पाने के लिए WWE सुपरस्टार को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कोफी किंगस्टन ने अपना इतना मजाक बनते देख भी कुछ नहीं किया, लेकिन दबी सुलगती चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया Y2J क्रिस जेरिको ने, और बहकाया भी ऐसा कि लुढ़ पड़े कोफी में अचानक खून चढ़ गया। कोफी आंखों में खून लेकर विंस मैकमैन के पास गए और भरे महफिल में दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इस हाथापाई में दोनों ने हाथों के बजाय जबान का ज्यादा इस्तेमाल किया, इसीलिए ये नंबर 5 पे। लेकिन कुछ भी हो, इसके बाद पूरे रोस्टर और यहाँ तक के विंस मैकमैन के पास भी कोफी की रिस्पेक्ट बढ़ गई। नंबर 4, बिग शो वर्सेस द ग्रेट खली। लेट 2000 में विंस मैकमैन ने WWE को इंडिया में एक्सपांड करने के लिए द ग्रेट खली को यूज किया। विंस मैकमैन ने एक टैग टीम चैंपियनशिप अनाउंस कर डाली। एक टीम बिग शो एंड क्रिस जेरिको की थी और दूसरी टीम में अंडरटेकर एंड द ग्रेट खली थे। मैच अच्छा चलने लगा और पेस भी पकड़ने लगा, लेकिन अचानक कहीं से द ग्रेट खली ने ओवरहेड चॉप का यूज कर लिया, जो कि बिग शो का मूव है। इस बात से बिग शो की आत्मा को इतनी ठेस पहुंची कि दोनों के बीच बैक स्टेज बहुत बेस हुई, एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड बिग शो ने द ग्रेट खली के मुंह पे एक पंच भी लगा दिया, और फिर क्या, रिटर्न में एक मुंह पे पंच भी खा लिया, और ऐसे इनका झगड़ा भी पेस पकड़ने लगा, और लड़ते लड़ते दोनों के पैरों के नीचे चेयर आ गई और दोनों गिर पड़े। अब इस लड़ाई में किसे अपर हैंड मिला ये तय कर पाना मुश्किल था, लेकिन इस इंसिडेंट के चश्मदीद गवाह Y2J क्रिस जेरिको का ये कहना था कि द ग्रेट खली बिग शो के ऊपर थे। सो आपको जो भी विनर लगता है आप उसका नाम कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 3, कर्ट हैनिंग एंड ब्रॉक लेसनर। WWE सुपरस्टार 2003 में यूरोप टूर करके अमेरिका वापस आ रहे थे। इन सुपरस्टार में कर्ट हैनिंग और ब्रॉक लेसनर भी थे। अचानक फ्लैट में इन दोनों को ख्याल आया कि इन दोनों में से कौन है बेटर फाइटर। ब्रॉक तो ऐसे जाने वाले थे नहीं। कर्ट हैनिंग और ब्रॉक लेसनर दोनों ने प्लेन के इमरजेंसी डोर के पास जाकर इमरजेंसी डोर को खोल दिया और वहां लड़ने भी लगे। इनसाइड ह्यूमर ऐसा है कि दोनों के बीच ये डिसाइड हुआ था कि जिसने भी दूसरे रेसलर को प्लेन से नीचे फेंक दिया वो बेटर फाइटर है, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकला और फ्लाइट में मौजूद दूसरे रेसलर्स ने इन्हें अलग कर दिया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद WWE ने कार्ड हैंगिंग को कंपनी से निकाल दिया और ब्रॉक लेसनर अपनी नौकरी बचाने में कामयाब रहे। नंबर 2, कार्ड एंगल वर्सेस ब्रॉक लेसनर। 2001 में कार्ड एंगल मेन इवेंट सुपरस्टार थे। बैकस्टेज भी दूसरे सुपरस्टार कार्ड एंगल की रिस्पेक्ट करते थे, बट कोई था जिसे ये बात हजम नहीं हो रही थी और वो थे ब्रॉक लेसनर। एक बार कार्ड एंगल ने ब्रॉक को ये बोलते सुन लिया कि वो कार्ड एंगल को बड़े आसानी से हरा सकते हैं, और वो कट एंगल से बेटर फाइटर भी है। ब्रॉक ने डायरेक्टली भी मैच के लिए कट एंगल को चैलेंज कर दिया था। सो WWE के ट्रेनिंग अरिना में दोनों का अनऑफिशियल मैच हुआ, और गैरल ब्रिस्को और जिम रोज दोनों इस मैच के आई विटनेस थे। ब्रिस्को ने इस मैच के बारे में ये बताया कि कट एंगल ने ब्रॉक को बहुत आसानी से हरा दिया था और पूरी मैच को डोमिनेट भी किया। 7 से 8 बार रोप में फंसा कर ब्रॉक को मारा भी, लेकिन ब्रॉक ने एक बार भी कर्ट एंगल को रोप में फंसा कर नहीं मारा, न मैच में डोमिनेट किया। ब्रॉक लेसनर के इस बैड ब्लड अवतार के बारे में आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मिस ना करें। और फाइनली नंबर 1, बट अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक तो जरूर कर दे, और रेसलिंग टॉक को एक बड़ी आर्मी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप कहां से ये वीडियो देख रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो नंबर 1, बुकर टी वर्सेस बटिस्टा। 2006 में स्मैकडाउन लगातार रेटिंग के मामले में रॉ को पीछे कर रहा था, और बटिस्टा उस टाइम स्मैकडाउन के फेस सुपरस्टार थे, और किसी भी ब्रांड का फेस होना उस टैलेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बटिस्टा अक्सर अपने आप को दूसरे WWE टैलेंट के सामने बड़ा बताते, और बटिस्टा ने अपने एक स्टेटमेंट में ये भी कह दिया था कि स्मैकडाउन को रेटिंग सिर्फ बटिस्टा की वजह से मिलती है और बाकी WWE में किसी भी टैलेंट की वजह से WWE को कोई फायदा नहीं होता। अब देखो, एक सुपरस्टार जो WWE को इतना फायदा करा रहा है उसके सर पे विंस मैकमैन का हाथ तो होता ही है,
एंड इसी वजह से बतिस्ता के इस स्टेटमेंट पे किसी ने भी डिसएग्री नहीं किया, बट कोई था जिसे इससे प्रॉब्लम थी और वो थे बुकोटी। एक बार बैक स्टेज बुकोटी और बतिस्ता के बीच इस बारे में बड़ी बहस हुई जो पूरे 5 मिनट तक चली और उसके बाद बुकोटी के हाथ और पैर चले। इस आताबा में बुकोटी को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बतिस्ता का फेस खून से भरा हुआ था। बतिस्ता को कई कट्स भी लगे हुए थे और सीरियस इंजरीज भी थी, लेकिन ये दुश्मनी जानी दुश्मनी में नहीं बदली। और 2016 में बुकोटी ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि दोनों के बीच अब सेटलमेंट हो चुका है। सो गाइस, इन सारे रियल फाइट्स रियल एक्शन में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दे और अगर ना पसंद आए तो इसे डिसलाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मिस ना करें। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।